और भाई साहब देख सकते हो यहाँ पे घुसना चालू हो चुका है यार, पूरा खिड़की दरवाजा तोड़ते हुए। अरे बच्चा, अरे बच्चों को पहले उठाओ, बच्चों उठाओ। अरे उसका पैर तोड़ रहे क्या? अरे पैर 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 गिर जाएगा, मर जाएगा। अरे भाई लेके पता नहीं चढ़े कि नहीं चढ़े। जैन दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का? मेरा नाम है जी सिंह और आप सभी का इस सफर के सफर आने में स्वागत करता हूँ बौद्ध नगरी यानी गया के गया जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और आप सभी को लेके जाऊंगा अपने देश की राजधानी यानी न्यू दिल्ली, क्योंकि जो आज अपनी ट्रेन जर्नी होने वाली है ना भाई साहब, बिल्कुल ही जबरदस्त। यानी हम सब जर्नी करने वाले हैं महाबोधि एक्सप्रेस में, जो कि अपने आप में डिमांडिंग और अलग इंटरेस्टिंग जर्नी होता है इसका। तो चलिए चलते इस खूबसूरत सी जर्नी को तय करने के लिए इस खूबसूरत से रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, क्योंकि वहीं पे अपनी ट्रेन लगाई जा रही है। दोस्तों, हम और हमारी ट्रेन यानी ट्रेन नंबर 12397 देख सकते हैं आ चुकी है भाई साहब गया के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। और बात ऐसा ना कि हम सभी या बाकी लोग दिल्ली जाएंगे कैसे, क्योंकि भीड़ देख रहे हो। भीड़ का भाई कुछ नहीं कहना, वैसा ही भीड़ है जैसे छठ में आते टाइम भीड़ था। यानी आज अपना छठ खत्म हो चुका है। खत्म होने के बाद आप समझ सकते हो ना कि भीड़ जो दिल्ली लोग कमाने जाते हो कैसे होने वाले थे भाई। अब ट्रेन में घुसने का सिचुएशन देखिए, उसके बाद जो भी होगी बातें करेंगे। ट्रेन कब निकलती है, कब जाती है, कब नहीं, ये देखिए। मतलब अभी ट्रेन का खुलने का कुछ हुआ नहीं, रुकने का हुआ नहीं, लेकिन लोग घुसना चालू हो चुका। और घुसे भी ना तो जाएंगे कहाँ पे, घुसना तो भाई जरूरी है। और देखते हैं कि हम कैसे घुसते हैं और आप सभी को दिल्ली तक कैसे ले जाते हैं इस हालातों में। बाकी देखते हैं, आगे बने रहिए, क्या हालत होने वाला है अपना और अपने भाई लोगों का। सब देख सकते हो यहाँ पे घुसना चालू हो चुका है यार, पूरा खिड़की दरवाजा तोड़ते हुए। मतलब किसी भी चीज का कुछ नहीं सोचना रे। अरे अभी रुक जाए, आराम से बच्चा फंस जाएगा उसमें। मतलब कैसे जाएंगे नहीं पता भाई, लेकिन मैं भी कहीं ना कहीं घुस ही जाऊंगा। बाकी देखते हैं क्या होने वाला है। अभी तो गेट तक तो नहीं खुला है। अरे पहले गेट खोले भाई। अरे बच्चा, अरे बच्चों को पहले उठाओ, बच्चों उठाओ। और भाई साहब ट्रेन को आज 2 मिनट हो गए लेकिन अभी तक गेट नहीं खुल पा रहा है। लेकिन कि तो गेट खोलना ही नहीं चाहता है कोई। जो घुस जा रहे इस साइड से तो वो तो घुस जा रहे हैं। अब देख लो कैसे कैसे मतलब घुसा जा रहा है और हम कैसे घुसते हैं। हम भी तो देखेंगे तो आज खिड़की का जुगाड़ लगाएंगे, क्योंकि भाई साहब अकेले नहीं, पूरा फैमिली के साथ लोग ले लेके आ रहे। जिस तरीके से छठ मनाने आए थे ना, उसी तरीके से अब छठ मना के भाई साहब सभी लोग जा रहे हैं। भाई साहब आखिरकार ट्रेन में घुस चुका हूँ। देखो पहले सामान रखता हूँ यहाँ पे, देखो सामान हमारे जगह पे खाली है, वरना सामान भी नहीं रख पाऊंगा मैं, समझ जाओ बहुत ज्यादा। ये देखो इतना बड़ा बोरा रख लेंगे तो खड़े रह के जाना पड़ जाएगा बिल्कुल। अरे पहले सामान ले इनको भाई से रख लें, दो रख लेंगे तो ये कंपनी कर देंगे इतना पेड़ ले। अरे यार और भाई साहब ट्रेन में घुस चुके हैं। अभी तो ये पहला स्टेशन का हालत है, बाकी आसाराम पता नहीं कौन कौन हटर भाई निकले दे भाई निकले दे हट भैया गुड़वाटा वा। ये तो भाई साहब पहला ही स्टेशन में साला जान निकाल लिया है। और
मैं बात करूँ इस ट्रेन का ना, तो रुक जाओ थोड़ा, दो चार मिनट, दस मिनट रिलैक्स होने दो, तब बताते हैं, क्योंकि इसमें चढ़ना और जंग लड़ना दोनों एक समान है भाई साहब। दोस्तों बात करूँ इस, अब मैं ट्रेन की, तो थोड़ा रिलैक्स हो चुका हूँ। सभी लोग देख सकते हो ट्रेन के अंदर घुस चुके हैं। और ये ट्रेन भाई हफ्ते के सातों दिन चलती है, और इतनी फेमस और इतनी बढ़िया ट्रेन है ना कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और बढ़िया के साथ देख रहे हैं ना क्या हालत हो रहा है। वैसे ये दोपहर के 2 बजे रोज़ाना निकलती है हफ्ते के सातों दिन, और सुबह में यानी 900 कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे अपने देश की राजधानी न्यू दिल्ली में। तो चलिए देखते हैं कि हमारा ये सफ़र का सफ़रनामा कैसा रखता है। लेकिन इतना जान चुका हूँ बहुत ही दुखदायक होने वाला, लेकिन आप सभी को मज़ा नहीं आया ना तो आपका पैसा वापस होगा, सारे कमेंट में लिखिएगा। चलिए देखते हैं ट्रेन अपनी खुलने वाली, तो हम भी निकलते हैं। और फाइनली दोस्तों देख सकते हो ट्रेन अपनी निकल चुकी है इस भीड़ भाड़ के साथ अपने गया के गया जंक्शन रेलवे स्टेशन से। हमारा सफ़र और बाकी इन सभी भाइयों का सफ़र कैसे कटता है देखो, इधर का गेट, आगे पीछे का गेट, सभी लोग बंद करके बैठ गए और आगे लोग आएंगे तो भाई तो चढ़ना तो पड़ेगा, तो हंगामा गजब होने वाला है। बाकी आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे इन सभी भाइयों का दुख तकलीफ और ये जर्नी दिखाते रहता हूँ कि क्या चल रहा है इंडियन रेलवे में, क्या अच्छाई और क्या बुराई। बाकी चलते हैं देखते हैं कैसा सफ़र रहता है। बाकी सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, क्योंकि भाई साहब पैसा कोई ना लग रहा है यार, प्यार दीजिए, बनाइए और घुमाते हैं हम आपको इंडिया। तो चलिए दोस्तों ट्रेन अपनी पहुंची है अपने दूसरे हॉल्ट यानी रफीगंज में। और रफीगंज में क्या ही बताऊं भाई साहब, पहले स्टेशन पे मैं तो रुका नहीं, क्योंकि वहां से अपनी पुरुषोत्तम क्रॉस की थी, अपने आप को ओवरटेक करके चले गए, और अपने से अब आगे ही रहेगी दिल्ली तक। और यहाँ भी काफ़ी अच्छा खासा भीड़ है। बाकी देखते हैं, यहाँ पे छोटा सा 2 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन प्रोग्राम उधर मस्त चल रहा है। चलिए पीछे दिखाते, एकदम शादी वाला फील आ रहा है वहाँ पे, एकदम स्टेशन का भाई साहब माहौल ही पता चल जाएगा। वो यहाँ पे शायद है चलते हैं भाई। भाई साहब यहाँ से भी निकल चुके हैं, और यहाँ तो इतना भीड़ हो चुका अभी फिलहाल, बताओ ये कह सकते हैं कि पहला स्टेशन ही कहो ना, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोग नहीं थे और पूरी की ट्रेन पैक हो चुकी है। लेकिन अभी अनुग्रह नारायण रोड, डियर यंसोन, सासाराम, भभुआ रोड, इतने लोग चढ़ने वाले, अब कहाँ चढ़ेंगे, ट्रेन के बाहर निकल जाएंगे धीरे धीरे लोग, अब देखते ही हैं। माहौल अब अलग हो रहा है धीरे धीरे। चलिए दोस्तों ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है अनुग्रह नारायण रोड रेलवे स्टेशन। और बात यह है ना कि भाई साहब यहाँ से भीड़ देखो, मैं वहाँ पे खड़ा था, वहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मतलब हर जगह ऐसा कोई सा भी स्टेशन नहीं है जहाँ पे लोग बोरा झोरा लेके ना चढ़ रहे हो। आगे तो काफ़ी ज़्यादा ही भीड़ है, क्योंकि देखो सारी की सारी जनरल कोच आगे है, ये तो स्लीपर के पास है तो ये तो कुछ बच जा रहा है। वैसे अगर बात करो इस अनुग्रह नारायण रोड रेलवे स्टेशन के, तो भाई साहब काफ़ी अच्छा खासा 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, और जिन्हें ट्रेमेट नहीं होती, लेकिन ये रेलवे स्टेशन का नाम अपने आप में काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर अनुग्रह नारायण जी के नाम पे इस जगह का, इस स्टेशन का नाम रखा गया है, क्योंकि वो एक फ्रीडम फाइटर थे और साथ ही साथ अपने बिहार के भाई साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे सबसे पहला। और साथ ही साथ जब अपना संविधान लिखा जा रहा था, तो संविधान में उनको भी आमंत्रित किया गया था, मतलब वो भी सदस्य थे, और बाकी सारी उनकी चीज़ों तय। देखते हैं यहाँ से आगे का भाई साहब क्या सिचुएशन है। सिचुएशन तो बोलूँ ना तो बहुत ही ख़राब, और आखिरकार स्ट्रगल करने के बाद मैं भी घुस चुका हूँ, काहे से कि अब यहाँ पे जो गेट पे खड़े जा रहे हैं भाई, हम तो उतर चुके थे लेकिन भैया जी ने घुसने दिया हुआ है। बाकी देखते हैं कहाँ तक सर्वाइव कर पाते हैं, बाकी आशा करते हैं कि काफ़ी दूर तक सर्वाइव करें इस अनुग्रह नारायण रोड से। बाकी देखते हैं, अभी तो अभी हालत ख़राब होना शुरू हुआ है ना, स्थिति ख़राब क्या होता है वो आगे मिलेगा अभी आपको। चलिए दोस्तों ट्रेन अपनी पहुंच चुके हैं एक और रेलवे स्टेशन यानी डिहरी ऑनसोन, और हम लोग आ चुके हैं अभी रोहतास जिला के डिहरी ऑनसन के डिहरी ऑनसन रेलवे स्टेशन पर। बात यह है ना कि यहाँ भी देख सकते हो
भीड़ मतलब काफी ही ज्यादा है। वैसे तो ये 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 4 ट्रेन और जिन्हें टर्मिनेट हो जाती है, लेकिन भीड़ अब आप ही देखिए। मैं पास नहीं जा रहा हूँ कि भाई साहब मुझे भी लोग सोच रहे हैं ना कि मैं भी चढ़ने वाला हूँ, तो पीछे पीछे ढकेले जा रहे हैं। वैसे अगर बात करते हैं यहाँ पर छोटा सा 2 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन यहाँ पे आपने जो पीछे नदी देखा वो है सोन नदी, और सोन नदी के पास में बसे होने के कारण एक अच्छा ही इंडस्ट्रियल और अलग सिटी है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे काफ़ी रोजगार है, क्योंकि यहाँ पे जो सोन नदी है ना वहाँ से बालू की खनन बहुत ज़्यादा होती है और काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे पत्थरों की मिल जाती हैं। बाकी देख लीजिए, यही मज़े ले रहे हैं लोग अपने में। ना मार झगड़ा ना भाई, केनो दिल्ली कमाए जाए के बच्चे कुछ करे जाए के बच्चे मार झगड़ा कर दे। ये राजीव तुम तो नहीं चल जा भैया, लटक मत भाई, लटक पीछे से मार दियो लड़का, अंदर आ जाओ। ओ जी तो चलिए जी निकल चुके हैं। ना ना अब नहीं है कोई डिहरी ऑनसन से। अरे भाई ये रहन 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 भैया भैया, बस बस अब लड़ाई झगड़ा ना, दोस्ती यारी सभी सब। चलिए जर्नी में लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिए, मस्ती में आज से जाइए, ज़्यादा हद करे तो बाकी आपकी मर्जी, जो करना कीजिए। बाकी चलते हैं सासाराम में, अब देखिएगा कितना भीड़ होने वाला है सासाराम, रोहतास जिला के सबसे बड़ा शहर। और चलिए जी भाई साहब, ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है ये अपने रोहतास जिला के ही सासाराम जंक्शन रेलवे स्टेशन, और देख सकते हैं चचा बाबा ये भैया लोग सब आ चुके हैं। वैसे बात करूँ तो क्या होने वाला है, कहाँ घुसेंगे, ये मैं अब आप सभी को दिखाना ही छोड़ चुका हूँ, क्योंकि हर एक स्टेशन पे खाली हंगामा ही होने वाला है, तो क्या दिखाएं। वैसे अगर बात करूँ इस सासाराम रेलवे स्टेशन की, तो स्टेशन कोड SSM नंबर प्लेटफॉर्म 7, और यहाँ से 4 ट्रेन और जनरेटर ट्रिमेट होती है। और बाकी बात करें तो इन सब का देख ही सकते हैं। और भाई साहब सासाराम आइएगा तो घूमने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर जाइएगा तो शेरशाह सूरी का टॉम है, और बाकी यहाँ से मात उत्तला भवानी के मंदिर भी जा सकता है, और गुप्ता धाम जब सावन का मेला लगता है तो भाई साहब क्या लाजवाब लगता है, कोई मौका मिले तो आइए। बाकी हमें तो मौका मिलते रहता है, क्योंकि ये जंक्शन है ना जो आरा की तरफ लाइन जाती है, तो मैं आरा से कभी ना कभी हमेशा हम लोगों का तो आना जाना लगा ही रहते हैं। बाकी देखते हैं, 2 मिनट का छोटा सा हॉल्ट है, देख रहे हैं गेट पर भी लटके पड़े हैं, यहाँ भी ठेल ठाल के हम भी अंदर घुसते हैं। अरे चलिए 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 चलिए, अरे चलो चाची हो चलिए अंदर, चलो 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 आपका चलो। अरे गेट अरे चाचा ऊपर करो ना मर्द, अरे लेडी फटी घर में माथा खराब, ऊपर करो उसका बैग को, चलो गरम करा। अरे जी मैं मर दे, तू समझत नहीं था बात, आइए आइए चलिए हो गया सीधा हो गया अंकल सीधा, अरे सीधा हो जा पहले, हो सीधा हो जा, गिर जीबा मर दे, गिर बना कुछ हो गया जी तो का कर लेबा, आप धक्का नहीं देंगे चाचा, ऐसी गलती तो हो जाएगा, समझ रहे बैग ऊपर कर छोटी चढ़ गया कहला था, महाबोधि खाली रहे हो, महाबोधि खाली, ये महाबोधि ही है चाचा, पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम सबसे उत्तम, उसी में जाइए। अरे बाप रे बाप, कहाँ हो चाचा, कहाँ जाइएगा आप, कहाँ का इलाज कराने का बताइए, इलाज एक दो दिन बाद कराते हैं ना, पता है का है, देख लीजिए छठ सब करके भाई भी जाएंगे ना, एकदम खाली, चलो 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 भाई, घुस जाओ तो भाई घुस जाओ तो घुस जा। भाई साहब ये कौन सा स्टेशन है पता नहीं चला, लेकिन भाई हर एक स्टेशन पे भीड़ वैसा ही चल रहा है, चलो 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 चलो
अरे भाई चल तो भाई थोड़ा सा भीड़ खाली हो गई, चलो आगे बढ़ा। अरे बीच में चलो भैया चलो, खाली गेट पे खड़ा रहने से होगा। चलिया 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 भाई 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 छोड़ियो भाई, हमारे बेगा बा जा भैया सीधा जा भैया धक्का मार। चलो भाई साहब चलो भाई लेके जा। इतना स्ट्रगल मैंने भाई कभी सोचा ही नहीं था कि होने भी वाला है। और भाई साहब ये खुर्दा स्टेशन था, इसके बाद आएगा भभुआ रोड। मतलब ऐसा कोई सा भी स्टेशन नहीं बख्शा जा रहा है जहाँ पे लोग ना चल रहे हो। हमारा जो बोगी है ना वो S1 के एक बोगी बाद है, इसलिए यहाँ पे तो कम नहीं आ रहा है। लेकिन जो सबसे आगे में है, क्योंकि सबको पता है कि जनरल कोच सारी आगे हर जगह अनाउंसमेंट हो रहा है, तो सभी लोग आगे, मतलब शुरू का 2 से 3 बोगी जितना भी है, मतलब 4 बोगी है, 3 बोगी पूरा फूल ही रह रहा है। चलिए दोस्तों ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है भाई साहब एक और रेलवे स्टेशन, जहाँ से यहाँ भी दबा के मतलब वो भीड़ होने वाला है। चुके हम लोग भभुआ रोड रेलवे स्टेशन, जो कि अभी तो हम लोग फिलहाल में बिहार में ही है, और इतना हालत मतलब ख़राब है ना कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस बात करूँ भभुआ रोड रेलवे स्टेशन की, तो स्टेशन का BBU नंबर प्लेटफॉर्म 5 और 2 ट्रेन और जनरेटर ट्रेनमेट होती है। डेली 62 ट्रेनें लगभग रुक जाती हैं। वैसे अगर बात करूँ ना इसे भभुआ रोड की, तो 2 जो ट्रेनें और जनरेटर ट्रेनमेट होती है भाई साहब, वो है पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस। जी हाँ, भभुआ पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस, दोनों का दोनों भभुआ पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस इसलिए ना, क्योंकि देखो एक जो है वो वाया गया होके जाती है, और एक जाती है वाया सासाराम और वहाँ से मुड़ जाती है आरा के तरफ में, फिर पटना चले जाती है। और ये सब बताइए आप सभी, क्योंकि ये जो आरा वाली जो इंटरसिटी एक्सप्रेस है उसका बहुत फायदा उठाते होंगे, एक लोकोमोटिव पहले क्रॉस हो रहा है उसका फायदा उठाते होंगे भाई साहब विक्रमगंज पीरो और गढ़ानी वाले। और जो जो भाई विक्रमगंज पीरो और गढ़ानी से देख रहे हैं ना, तो बताना जरूर कमेंट में। चलिए ट्रेन खुल चुकी है, अपने चलते हैं। आप सभी के लिए इतना मेहनत के दे रहा था भाई, वीडियो का अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बाकी हमारा तो हालत खराब ही हो चुका है यार। चलो 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 भाई आराम से, छोड़ छोड़ भाई फोन कर रहा। अरे भाई अरे पोला गए, जाने तो तेरी बीवी भाग जाएगी। हाँ ध्यान रखियो, समझ जा साला, इधर मरोगे घर में क्या जान कर रहे हो लोग बताइए। मतलब दिल्ली में जाना इतना भी जरूर नहीं है जैसे मर मर के जा रहे हैं ना भाई। भाई वीडियो भी करो, बना ली मैंने इसकी वीडियो यार, मेरी बना दी तेरी बना दो। और ये मेरा दोस्त मिल चुका है, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम भाई सन्नी, सन्नी भाई मिला, सन्नी पाजी, सन्नी पाजी। बाकी चलते हैं, माहौल गर्मा गया अंदर में। अंदर में जाने दे बाहर, जाने दे, तेरे ऊपर चढ़ जाएंगे तो दिक्कत है ना। ओहो, तो भाई साहब पहुंच चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय यानी DDU में। और बात है कि हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि स्टेशन आया कि नहीं, पूरा का पूरा सामान भर के आराम से मस्त मजे लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं। वैसे बात करें इस DDU रेलवे स्टेशन की, तो इसे ओपन किया गया था 1862 में और इसे इलेक्ट्रिफाइड किया गया था 1961 में। वैसे ओवरऑल बात करें तो भाई अभी तक जो उधर के लोग हैं ना उनको सच में नहीं पता है कि स्टेशन आ चुका है,
और मैं भी फिलहाल मैं पीछे वैसे ही कंफ्यूज था। बाकी ओवरऑल बात करें तो अंदर का हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। देखते हैं क्या करते हैं, हम कहाँ तक सर्वाइव कर पाते हैं। जहाँ तक सर्वाइव करेंगे करेंगे, नहीं तो जानता ही है कहीं ड्रॉप करना पड़ेगा। पर पूरा उम्मीद है कि मैं दिल्ली तक पहुँचाऊँ भाई। चलते पहले अभी अंदर घुस जाओ, 10-15 मिनट तक रुकने वाला है, लेकिन क्या करोगे, घुसने में ही बड़ा मुश्किल की बात होती है। तो भाई बोला यार, जाने दे। अरे तो अंदर घुसने के लिए गेट ही तो बनाया था ना भाई मेरे। आओ 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 आओ, आइए आइए आइए। दादी कहाँ रह गई, दादी कहाँ रह गई? दीजिए बैग, दीजिए बैग, दीजिए साइड भैया, साइड 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 साइड, छूट गई। दो अंदर क्यों अरे भैया उधर उधर बोलेंगे तो वही उतार दूंगा। रुक जाओ रुक जाओ, हट हट भाई, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अरे उनको बोलूंगा तो वही रुको, मिल जाएंगे। हटना हटना भाई, वो चढ़ गई क्या, वो चढ़ गई क्या, चढ़ गए क्या? अरे अब कौन चढ़? अरे यार एक को उतारना, चढ़ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा। अरे ये क्या कर दो, हटाना एक खाली, हटा तो कहाँ जाइब? अरे हाँ मेरा कहीं नीचे जाएगा क्या? ओए भाई वो औरत उतर गई यहाँ पे, इसके अंदर चढ़ गई? नहीं नहीं बुढ़िया उतारो छोड़ के, एक है यहीं पे। अरे उसको उतरना था भाई, वो दोनों उतर गए, ये नहीं उतरी है, कहाँ है? उसको बोल दे भैकम मार को उतर जा। आइए भैया आइए आइए। चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी करीबन आधे घंटे से ज़्यादा लेट हो चुकी है और हम लोग पहुँच चुके हैं, पता है ना, संगम नगरी यानी प्रयागराज के प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। हमारे सामने देख सकते हो पूरी से आनंद विहार के यानी पूरी से न्यू दिल्ली के बीच में चलने वाली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस अपनी लगी पड़ी है। अपने से भाई वो भी लेट हो चुकी थी, इसलिए अपनी ट्रेन को भी लेट कर दी है, क्योंकि भाई ये दिल्ली तक है पूरे का पूरे अपने से आगे चलते रहेगी। वैसे अगर बात कर रहे हैं इस ट्रेन जर्नी की तो भाई साहब पूरा का पूरा हालत ख़राब हुआ, क्योंकि काफ़ी मैं लॉन्ग टाइम पे जर्नी के बाद ऐसे कोई हैप्टिक जर्नी करने जा रहा हूँ। वैसे अगर बात करो इसे प्रयागराज की तो आप जानते हो कि दुनिया में अगर कहीं भी सबसे ज़्यादा एक साथ आदमी इकट्ठे होते तो वो होते अपने महाकुंभ में। जी हाँ, जो महाकुंभ यहाँ पर लगता है दुनिया में उतने एक साथ कहीं भी लोग इकट्ठे नहीं होते। वैसे ओवरऑल बात करें तो इस ट्रेन में आप सभी को खाने पीने की भी सुविधा है, ट्रेंट्री की तरफ से आप सभी को वही बिरयानी विरयानी मिल जाएगी जनरल क्लास में, बाकी आप उसमें जाओगे तो थाली वाली का सिस्टम है। बाकी ओवरऑल 10 मिनट का तो हॉल्ट होने वाला है, तो मैं भी कुछ खा पी ले रहा हूँ। बाकी इस ट्रेन में खाने का तो मन नहीं कर रहा क्योंकि भीड़ इतना ज़्यादा है, बाकी देखते हैं ओवरऑल कुछ व्यवस्था बनाते हैं, नहीं तो होगा ही जो होना है। चलिए दोस्तों, आखिरकार हम लोग प्रयागराज से भी निकल चुके हैं, बाकी यहाँ पे कुछ खाने पीने का जुगाड़ नहीं हुआ, वही बासी समोसा और बासी बासी चीज़ें मिल रही थी। जो भाई ने समोसा खाया कैसा लगा? बहुत खराब, बहुत मतलब घटिया, तो हम पहले ही रिव्यू ले लिए थे। बाकी और चलते हैं, देखते हैं कुछ व्यवस्था व्यवस्था बनाते हैं। देख रहे हो ऊपर तक सर के ऊपर तक यहाँ लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन किया जाएगा। देखो नागपुर में पता नहीं कानपुर आने वाला, वहाँ मिलते थे मिलते नहीं तो ट्रेन में तो अंदर मिलने ही वाले हैं। रिलैक्स होने दो, बहुत अजीब अजीब भी कहीं कहीं लोग मिल ही जाते हैं यार। भाई साहब अभी देखो कानपुर पहुँचे हैं, और बात ऐसा है ना कि मैं चाहता हूँ कि कानपुर रेलवे स्टेशन पर उतरूँ, कानपुर के बारे में कुछ दिखाऊं कि क्या अभी खाने पीने के मिल रहा कुछ भी जो भी। लेकिन भाई साहब देखो सिचुएशन क्या है इस ट्रेन का, कि ना निकल सकते हो ना बातें कर सकते हो, जहाँ बस घुस गए बैठ गए जो कर लिए कर लिए, इससे ज़्यादा तुम कुछ नहीं कर सकती है। देखिए
ये जो है पूरा का पूरा गेट बंद है कानपुर पे। अभी हमारी ट्रेन खड़ी है लेकिन कुछ नहीं किया सकता, मुर्गा मुर्गी लेके स्टैंड में घुसा हुआ है। ये देखो उधर में यही है, जिसको टॉयलेट भी जाना है तो टॉयलेट नहीं जा सकते क्योंकि टॉयलेट में भी लोग बैठे हैं। और वहाँ तक जाने का अभी तो सोचना है ना भाई। वो देखो उधर में, उधर में वो लड़की जा रही है, करीबन आधे घंटे से पहुँच ही नहीं पाएंगी भाई। चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए गुड नाइट। रात में क्या दिखा है, मिलते हैं कल सुबह नई दिल्ली में। अलीगढ़ का इतना बुरा हाल हो चुका है, देख लीजिए रात के करीब 3:30 बज रहे, ट्रेन लेट चल रही है, यही हालत है। नई दिल्ली, दिल वालों के शहर में एंट्री कर चुके हैं हम लोग। लूट मारों का है नहीं, ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कि आप कैसे हो। गुड मॉर्निंग जी, और आप सभी का अपने देश की राजधानी दिल्ली में स्वागत है। हमारी ट्रेन देख सकते हो वो लगी पड़ी, और हम सब आ चुके हैं अबे बिहार से फिर से इस दिल्ली में अपने काम धाम के लिए। कहा से कि पूरी के पूरी ट्रेन अब ऐसी रोज पैक पैक हो गया है कि इस ट्रेन में स्लीपर क्लास में पूरे का पूरे मेरे ख्याल से 350 के करीब में वेटिंग थी। तब समझो कि क्या हालत हो रहा है रोज रोज इस ट्रेन का। वैसे अगर जर्नी की बात करो तो देखो जर्नी में मजा आया लेकिन शरीर का हालत ठीक नहीं कह सकते। वैसे ओवरऑल तो थोड़ा बहुत आराम करने का इस ट्रेन में मिल जाता है अगर आप अच्छा खासा लाट लगाओ बातें करो तो, नहीं तो इस ट्रेन में लातों के नीचे आना पड़ेगा अगर आप इस जनरल क्लास में आते हो तो, या स्लीपर में भी आते हो ना। तो फिलहाल में यही हालत है क्योंकि भाई साहब बिना टिकट के सभी लोग घुस रहे हैं, फाइन इसी में कटाएंगे जो भी होगा जो भी होगा, क्योंकि अब कंपनी ने बुलाया तो जाना तो पड़ेगा। वैसे ओवरऑल बात करो तो जर्नी मस्त रहा, मज़ा आ गया। अब यहाँ से दूसरी जर्नी है, निकलते हैं क्योंकि वहाँ भी लेट हो जाएगा। लेकिन आप सभी को भाई साहब जर्नी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ ऐसे ही पूरी इंडिया घूमने के लिए ट्रेन के साथ जुड़े रहिए। जब तक के लिए जय हिंद, और हाँ हमेशा मुस्कुराते रहिए हमारे साथ।